हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होटल मैनेजमेंट में अगर हम जॉब करते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो उसमें किन किन फुल फॉर्म का मतलब बेसिकली यूज होता है, और सारी डिटेल में हम जानने वाले हैं बेसिकली जितनी भी फुल फॉर्म का यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आईटी से। लाइक हमें कोई भी स्टडी करने के बाद हम आईटी करते हैं तो आईटी की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आईटी के बाद आप जब जेटी करते हैं तो जेटी की फुल फॉर्म होती है आपकी जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग फिर उसके बाद में आपने करनी पड़ती है एमडी। एमडी की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। वहीं पर एक ट्रेनिंग होती है आपकी होटल ट्रेनिंग, लाइक जिसे हम बोलते हैं एसटी। एंड देन लाइक यू विल हैव टू डू लाइक एचओटी, होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग। एक ओडीसी का बहुत यूज होता है लाइक आउटडोर कैटरिंग, जिसकी फुल फॉर्म होती है आउटडोर कैटरिंग। एचओडी आपने सुना होगा, अगर आप होटल लाइन जॉब करते हैं तो एचओडी बोलते हैं। एचओडी लाइक होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो भी हमारे डिपार्टमेंट का हेड होता है हम उसे एचओडी बोलते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव सेफ, एफएनबी मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, या फिर आपका जो भी लाइक डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो एफएनबी, अगर एफएनबी में आप काम करेंगे तो एफएनबी लाइक फूड एंड बेवरेज, जिसकी फुल फॉर्म होती है। एंड लास्ट में आपका आता है यहाँ पे आपका एंड देन लाइक जीएम। जीएम की फुल फॉर्म होती है जनरल मैनेजर, जो भी एक कंपनी के अंदर, जो भी एक अच्छे होटल, फाइव स्टार होटल के अंदर पूरी कंपनी को लाइक बिजनेस, सेल्स एंड दिस ऑल द थिंग लाइक विल हैव टू मैनेज, तो वहाँ पे जीएम का काम होता है, वो जनरल मैनेजर का। सो ही नोज ऑल द थिंग लाइक हाउ टू डू। एंड देन होता है आपका एमडी। एमडी लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, ये आपके जीएम से भी अप लेवल की एक डेजिनेशन होती है एमडी, जिसे हम बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। वहीं पर एक होता है आरएम। आरएम की फुल फॉर्म होती है आपकी रेस्टोरेंट मैनेजर। एफओएम आपने सुना होगा, एफओएम की फुल फॉर्म होती है फ्रंट ऑफिस मैनेजर। फ्रंट ऑफिस पर एक ही और डेजिनेशन आपकी होती है डीएम, जिसे हम बोलते हैं ड्यूटी मैनेजर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक जीएसए की फुल फॉर्म होती है आपका गेस्ट सर्विस एसोसिएट। वहीं पर हम जीआरई की बात करें, जीआरई आपका एक लाइक हॉस्टेस के बाद आप एक ये लेवल अप्रोच करते हैं। जीआरई की फुल फॉर्म होती है आपकी गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव। वहीं पर हम बात करें एचआरएम। एचआरएम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। एचआरएम के बाद में एचआरडी की अगर बात करें तो एचआरडी होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आईआरडी आपने सुना होगा, लाइक अगर आप जॉब करते हैं तो रूम डाइनिंग, मतलब जैसे इन रूम डाइनिंग, आईआरडी की फुल फॉर्म होती है। वहीं पर एक ट्रेनिंग होती है लाइक वीटी, जिसे हम बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। एक आपने देखा होगा लाइक जब हम ऑर्डर पंचिंग करते हैं किचन में, लाइक क्यूओटी जिसे हम बोलते हैं, तो जिसकी फुल फॉर्म होती है क्या, किचन ऑर्डर टिकट। एक आपका वहीं पर अगर बाहर के जब ऑर्डर हम काटते हैं तो उसे हम बोलते हैं बीओटी, वो भी जबकि एक लाइक रिटर्न में हम ऑर्डर लाइक बार में देते हैं तो उसे हम बोलते हैं बीओटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है बार ऑर्डर टिकट। एक आपका होता है एमओडी। एमओडी मतलब ज़्यादातर लाइक जो भी मैनेजर ऑन ड्यूटी होता है, जिसे हम बोलते हैं कि एमओडी, मैनेजर ऑन ड्यूटी, जिसकी फुल फॉर्म है। एक होता है एफपी। एफपी मतलब जो भी आपका फंक्शन होते हैं, लाइक आपके बैंक्वेटिंग के फंक्शन होते हैं, इवेंट होते हैं आपके होटल्स में, या जो भी बैंक्वेटिंग के फंक्शन होते हैं पर हेड, तो हम बोलते हैं उसे फंक्शन प्रोस्पेक्टस, तो ये एफपी की फुल फॉर्म होती है। डीएनडी मतलब कहीं ना कहीं रूम में लगा होता है, या कहीं ना कहीं मतलब आपने देखा होगा, तो जिसकी फुल फॉर्म होती है डू नॉट डिस्टर्ब। एपीसी। एपीसी का बहुत बड़ा रोल है अगर आप होटल लाइन में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो एपीसी आपको पता होना चाहिए, जिसकी फुल फॉर्म होती है एवरेज परसेंटेज पर कवर। जैसे कि आपके रेस्टोरेंट में, आपके लाइक होटल्स में, किसी भी फाइव स्टार में जो भी गेस्ट आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप किस एवरेज पे आप सेल कर पा रहे हैं, लाइक एक पर्सन को आप कितना लाइक फूड और बेवरेज आप सेल कर पा रहे हैं, तो उससे उसकी एवरेज निकलती है, तो एवरेज परसेंटेज पर कवर। वहीं पर सीडीपी होता है सेव दी पार्टी। वहीं पर अगर हम बात करें लाइक डीसीडीपी होता है एक, तो उसका क्या होता है, सेव दी पार्टी से पहले हम क्या लगा सकते हैं उसमें, डेमी सेव दी पार्टी, डीसीडीपी की फुल फॉर्म होती है। वहीं पर एक जैसे हम बीओटी और लाइक क्यूओटी जो काटते हैं, तो उसके बाद में लाइक कई बार क्या होता है, बीओटी एनसीबी होती है और क्यूओटी एनसीबी होती है, तो एनसी का मतलब होता है नॉन चार्जेबल। अगर आप लाइक एनसी क्यूओटी काट रहे हैं नॉन चार्जेबल किचन ऑर्डर टिकट, तो वो जो है चार्ज नहीं होता है, बस विल हैव टू मेक रिकॉर्ड, लाइक मैनेजमेंट की नज़रों में वो रिकॉर्ड बनाया जाता है, हम चार्ज नहीं करते हैं, वो एनसी जब कटती है। तो एक होता है एमआईएस।
MIS का बहुत बड़ा रोल है किसी भी कंपनी में, किसी भी लाइक मोस्ट ऑफ जो होता है फाइव स्टार होटल के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि MIS से ही सारी रिपोर्ट से तैयार होती है, सारा कुछ पता चलता है कंजप्शन का एंड ऑल, जो भी लाइक कंपनी के अंदर कहाँ पर हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, कहाँ पर हम लॉस में जा रहे हैं। तो MIS की फुल फॉर्म होती है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। भाई उसके बारे में बात करेंगे EDR, एक आपने देखा होगा EDR, मतलब जो भी लाइक कंपनी के सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए लगाया जाता है, तो जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी एम्प्लॉय डाइनिंग रूम। एक होता है PDR, कहीं पर भी एक रेस्टोरेंट के अंदर 8 to 10 मेंबर या प्लस मेंबर्स होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है एक पर्सनल डाइनिंग रूम या पर्सनल डाइनिंग एरिया बना होता है, तो जिसे हम PDR बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि और मतलब जैसे गैदरिंग के साथ में लाइक डिस्टर्बेंस नहीं होता है अदर गेस्टों का, तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर हम लाइक पर्सनली डाइनिंग कर सकते हैं लाइक टुगेदर फैमिली के साथ में 8 to 10 मेंबर, सो दैट कॉल एज एन PDR। सो होप यू गाइस के ये फुल फॉर्म जो हमने डिस्कस किए हैं इससे कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगी। अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दोनों जो मैंने आपको राइट डाउन करके दिखाया है यहाँ पर, आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास जब भी आप चाहें जब उसे रीड कर सकते हैं। बाकी और भी किसी भी चीज़ की आपकी लाइक होटल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपको फुल फॉर्म चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर होटल मैनेजमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे लाइक मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.